मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कैबिनेट मंत्री जीएस बाली के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें बाली ने कहा था कि 24 दिसंबर को धर्मशाला में हुई रैली में मंच पर बैठने वाले नेताओं में उनका नाम नहीं था। 24 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 साल होने पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शिरकत की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जीएस बाली ने स्टेज पर कुर्सी ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी जिसे लेकर अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये नहीं हो सकता कि उनका नाम लिस्ट में ना हो क्योंकि एसपीजी को दी गई लिस्ट में सभी विधायक और सभी मंत्रियों का नाम लिखा गया था। कई दफा इतना बड़ा स्टेज बना जिसमें सभी सारे एमएलए सारे मिनिस्टर सारे जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स सबके लिए स्थान था उनको स्थान नाम मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उनका नाम था लिस्ट में नाम था उनका नाम लिस्ट नाम नहीं था बिल्कुल झूठ है नाम नहीं नाम नहीं ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स। वहीं 24 दिसंबर को ही बीजेपी ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ चार्जशीट सौंपी थी जिसे लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि वो जांच के नहीं बल्कि रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। जांच ही नहीं रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। इतने वायात हाँ अगर किसी में कोई मैं पढ़ी नहीं अभी तक अधिकांश चीजें ऐसी है जो कि बिल्कुल बेहुदा है। चार्जशीट को तो मुख्यमंत्री गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे वहीं जीएस बाली के लिस्ट में नाम ना होने की बात को भी वो झूठा करार दे रहे हैं जिसके चलते जीएस बाली की नाराजगी का मुद्दा और उलझ गया है। एस गोपालपुरी जी मीडिया धर्मशाला।